एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन का तड़का लगाती साउथ की फिल्में जितनी तेजी से सक्सेस का पहाड़ चढ़ रही है, उससे एक बात तो जाहिर है कि आने वाला दौर सल्लू नहीं अल्लू भाई का है। केवल टॉलीवुड में ही वो जिगरा है जो हिंदी सिनेमा की डूबती नैया पार लगा सकता है। जनाब, तभी तो साउथ की हिंदी डब फिल्में पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। 3 घंटे लंबी ये फिल्में कंटेंट का वो जादू बिखेर रही है जो बॉलीवुड से गायब हो चुका है। जानते हैं हम कौन सी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो में जरूर जान जाएंगे। ये है 10 ऐसी साउथ की फिल्में जो हिंदी में डब करने के बाद बॉलीवुड पर राज कर रही है। नंबर 10, रोबोट एंड रोबोट 2.0। इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर नाम आता है रोबोट फिल्म का, जिसे साउथ में दर्शक एंथिरन के नाम से भी जानते हैं। तमिल भाषा में बनी ये फिल्म साइंस फिक्शन थी, जिसका पहला पार्ट साल 2010 में रिलीज हुआ था, लेकिन इसे साउथ सहित पूरे भारत में दर्शकों ने इतना पसंद किया कि 2018 में इसके दूसरे पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन स्टार और ये फिल्म इसलिए भी सुपरहिट रही क्योंकि फिल्म के जरिए साइंस फिक्शन के एक नए कॉन्सेप्ट को ऑडियंस के सामने परोसा गया। इस कॉन्सेप्ट को मास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए फिल्म को वर्ल्ड वाइड 15 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया और यही वजह रही कि रोबोट 2.0 एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने भारत में 519 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। नंबर 9, मगधीरा। अगर आप मूवी लवर हैं और टीवी पर आने वाली हर फिल्म का लुत्फ उठाते हैं तो सेट मैक्स पर कई दफा आने वाली मगधीरा फिल्म भी आपने जरूर देखी होगी। पुनर्जन्म और प्रेम कहानी लिए ये फिल्म एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा थी जो आज से 13 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और इसे पहली ही झलक में केवल दर्शकों ने ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स ने भी काफी प्यार दिया था। इस फिल्म में काजल और रामचरण से लेकर हर स्टार कास्ट की एक्टिंग दमदार थी। वही फिल्म की कोरियोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स की भी जमकर तारीफ हुई थी। आज कई साल बाद भी इस फिल्म को पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट पर बनाई गई बेस्ट फिल्मों में गिना जाता है। नंबर 8, शिवाजी द बॉस। साउथ की सुपरहिट हिंदी डब फिल्मों की बात हो और रजनीकांत का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और रोमांस जैसी हर आर्ट को मास्टर करने वाले इस एक्टर की वैसे तो हर फिल्म को हिंदी सिनेमा में सराहा गया है, लेकिन शिवाजी द बॉस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसे आज भी भारत के घर घर में देखा जाता है। इस फिल्म में सरकार और एजुकेशनल सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवाजी के संघर्ष को दिखाया गया था और इस कॉन्सेप्ट को साल 2007 में काफी पसंद किया गया था। आज भी ये फिल्म रजनीकांत के करियर की बेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, तभी तो जी सिनेमा पर आज भी ये कई बार टेलीकास्ट होती है। नंबर 7, आर्या। अल्लू अर्जुन की पुष्पा, सराई नोडू और अल्लाह वैकुंठा पुरा मुल्लू जैसी टॉप नॉच फिल्मों की सक्सेस से तो आप रूबरू होंगे, लेकिन बता दे कि उनके करियर ग्राफ में आर्या वो फिल्म थी जिसने हिंदी ऑडियंस के बीच उन्हें एक पॉपुलर फेस बना दिया था और खास तौर पर इसके पार्ट 2 को हिंदी सिनेमा में बेशुमार प्यार मिला। साल 2009 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई इस फिल्म में दर्शकों को एंटरटेनमेंट के साथ रोमांस, ड्रामा और एक्शन का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिला। नया कॉन्सेप्ट रखते हुए आर्या 2 ने मैसी और क्लासी दोनों ही ऑडियंस का दिल जीत लिया। अल्लू अर्जुन के स्वैग ने दर्शकों पर ऐसा जादू बिखेरा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर बैठी। यही वजह है कि आज भी सेट मैक्स पर कई बार इस फिल्म की हिंदी डब को शौक से दिखाया जाता है। नंबर 6, आई। आई साउथ की वो लेजेंडरी फिल्म है जिसे हिंदी ऑडियंस का अप्लॉज ही नहीं बल्कि धांसू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मिला है। फुल ऑन स्वैग, एक्शन और पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ ये फिल्म साल 2015 में बॉक्स ऑफिस पर आई और साउथ में सुपरहिट होने के साथ ही हिंदी डब से नॉर्थ ऑडियंस को भी इम्प्रेस करने में सफल रही। सस्पेंस, एक्शन और इमोशन के साथ इस फिल्म में वो सभी इंग्रेडिएंट्स थे जिसने इसे ब्लॉकबस्टर बनाया। आई की कहानी को क्रिटिक्स से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, साथ ही इसके हिंदी वर्जन सॉन्ग्स को भी नॉर्थ में वाइडली एक्सेप्ट किया गया। आई की सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। नंबर 5, जय भीम। कई राजनीतिक विवादों की गर्मा गर्मी में रिलीज हुई जय भीम साल 2021 की वो फिल्म रही जिसे क्रिटिक्स और जनता का प्यार दोनों ही देखने को मिला, लेकिन अपनी रियलिस्टिक स्टोरी लाइन के चलते ये फिल्म साल 2021 की टॉप रेटेड फिल्म बन गई। एक पावरफुल कंटेंट के साथ जय भीम तमिलनाडु में 1990 के दशक में आदिवासियों पर बनी फिल्म थी जो एक दबे कुचले वर्ग पर हुई जाति तयों को दर्शाती थी।
इसमें लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार सूर्या को कास्ट किया गया था। हालांकि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज किया गया, लेकिन पहले ही दिन फिल्म की कमाई ने अपने बजट को क्रॉस कर दिया। इसे न केवल साउथ ऑडियंस का प्यार मिला बल्कि हिंदी भाषा ऑडियंस ने भी प्रेज किया। नंबर 4, बाहुबली। बाहुबली सीरीज साउथ सिनेमा की वो रेवोल्यूशनरी मूवी थी जिसके कंटेंट की गूंज केवल दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई दी थी। अपने पहले ही पार्ट से इस फिल्म ने भारत में सफलता के झंडे गाड़ दिए। बॉलीवुड को उम्मीद भी नहीं थी कि टॉलीवुड की कोई फिल्म हिंदी बेल्ट में इस तरह कमाल दिखा सकती है, लेकिन दमदार एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, कंटेंट और सुपर डायरेक्शन के साथ राजा मौली की सीरीज को वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिला। पहले पार्ट के बाद तो हर कोई केवल एक ही सवाल जानने में दिलचस्पी लेने लगा कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऑडियंस के इस प्यार से जल्द ही बाहुबली 2 ने भी सिनेमा घरों में दस्तक दी और इसे देखने के लिए सिनेमा घरों में लोगों की कतारें लग गई। ये भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म रही जो लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ते हुए 10 से भी ज्यादा भाषाओं में डब की गई और इसके दूसरे पार्ट ने तो वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ की कमाई कर डाली। नंबर 3, RRR। हिंदी डब्ड सुपरहिट साउथ फिल्मों की लिस्ट में इस साल रिलीज हुई RRR भी शामिल हो गई है। जूनियर NTR और रामचरण स्टारर इस फिल्म में एक्शन ड्रामा का वो कॉम्बिनेशन था जिसे वर्ल्ड वाइड खूब पसंद किया गया। बिग बजट और बिग डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से पहले ही सुपरहिट होने की उम्मीदें थी और ये उन सभी उम्मीदों पर खरी भी उतरी। फिल्म को तेलुगु के साथ हिंदी डबिंग में सिनेमा घरों में उतारा गया और ये अपने पहले ही दिन रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने में सफल रही। क्रिटिक से लेकर सभी मूवीज एक्सपर्ट भी फिल्म के कंटेंट की तारीफ करने से पीछे नहीं रहे। ब्रिटिश राज के खिलाफ दो भारतीय फ्रीडम फाइटर की ये स्टोरी लाइन दर्शकों को इतनी पसंद आई कि इस फिल्म ने भारत में 902 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म का कलेक्शन 1100 करोड़ के पार रहा। नंबर 2, पुष्पा। पुष्पा द राइज। ये नाम किसी को याद हो या ना हो, लेकिन फ्लावर नहीं फायर है मैं डायलॉग आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने पूरे भारत में ऐसा तहलका मचाया कि अब लोग साउथ की फिल्मों को तवज्जो देने लगे हैं। हालांकि फिल्म की कहानी दक्षिण में चंदन की स्मगलिंग से जुड़ी हुई है, लेकिन उसे उत्तर भारत से भी बेतहाशा प्यार मिला। पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर केवल हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज हुई और इसे सभी भाषाओं में ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली। पुष्पा की सक्सेस का अंदाजा इसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई से ही लगाया जा सकता है, जो बताती है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई 100 करोड़ बटोरे थे जिसमें एक बड़ा हिस्सा हिंदी बेल्ट से ही आया था। बाकी भाषाओं के मुकाबले हिंदी डब्ड को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। नंबर 1, KGF। KGF सीरीज को इस सदी की लेजेंडरी फिल्म का टाइटल देना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मसाला एंटरटेनर फिल्म को केवल कन्नड़ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस मिली है। इसके चैप्टर 1 और 2 दोनों ही हिंदी में डब होने के बाद दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। जबरदस्त निर्देशन के साथ बनी इस फिल्म में दर्शकों ने कन्नड़ स्टार यश के परफॉर्मेंस को तो पसंद किया ही, साथ ही इसकी स्टोरी लाइन ने भी ऑडियंस को बांधे रखा। तभी तो चैप्टर 2 फिल्म वर्ल्ड वाइड 1198 करोड़ की कमाई करने में सफल रही। खास तौर पर अपने हिंदी वर्जन से 420 करोड़ कमा कर ये फिल्म इस पल की अब तक की सबसे हिट फिल्म बन गई। तो ये थी साउथ की कुछ ऐसी मसालेदार एंटरटेनिंग फिल्में जो फ्लावर नहीं बल्कि फायर है। उड़ते एक्शन सीन्स और फ्रेश कहानी और रोमांस के साथ इन फिल्मों में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको इन्हें देखने पर मजबूर कर देता है। अब इनमें से आपको किस हिंदी डब साउथ इंडियन फिल्म ने इम्प्रेस किया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।